हेलो दोस्तों, आई एम सुजीत कुमार। स्वागत किया जाता है एक और नए पावरफुल वीडियो में। क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं है? वीडियो बहुत ही अच्छा है, वीडियो को ध्यान से देख लेना, आंख खोल कर देख लेना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। मेरे प्रिय लाइफ चेंजिंग वीडियो, ठीक है। इफिसियो 5:16 वचन में लिखा हुआ है, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। जो समय, जो टाइम, जो परमेश्वर आपको दे रहा है, इस टाइम को, इस अवसर को, इस समय को कीमती समझो। हमें इस अवसर को गलत कामों में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गलत चीज़ों में, दारू शराब की चीज़ों में हमें नहीं गंवाना है। हमें अपना मन फिराना है, सच्चाई को जानना है। मेरे प्रियो, सच्चाई क्या है? सच्चाई यीशु मसीह है। हमें सच्चाई को जानना है। जो आप ये टाइम गलत कामों में, गलत चीज़ों में गंवा रहे हो, याद रखना परमेश्वर इसका लेखा आप चलेगा। मगर आज के इस समय में कोई सच्चाई नहीं बता रहे हैं, कोई भी नहीं बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है कि पापों से मन फिरा लो, समय कम बचा हुआ है, समय कम बचा हुआ है। जो सच्चाई नहीं बताते हैं, सारी गलती उस पास्टर की है, यहाँ पर सारी गलती उस पास्टर की है जो सच्चाई नहीं बताते हैं, जो सच्चाई नहीं बताते हैं कि पाप करोगे तो हमें नर्क जाना पड़ जाएगा, पाप करोगे तो मृत्यु होगी, पाप करोगे तो परमेश्वर में स्वर्ग नहीं देगा। आज सच्चाई नहीं बता रहे हैं, कोई नहीं बता रहा है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु। पाप करोगे तो हमें नरक में जाना पड़ जाएगा, पाप करोगे तो परमेश्वर हमें स्वर्ग नहीं देगा, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है। बस यही बताते रहते हैं, बस यही बताते रहते हैं। ऐसे पास्टर प्रचारक बताते रहते हैं, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। बस यही तो हो रहा है आज, बस यही तो हो रहा है। मन फिरा लो, समय कम बचा हुआ है। मन फिरा लो, समय कम बचा हुआ है। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, पाप करोगे तो पाप के जरिए ही नरक में जाओगे, पाप करोगे तो पाप के जरिए ही नरक में जाओगे। अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है तो नरक में जाना पड़ जाएगा 100%। मेरे प्रभु 100%। मत्ती 16:26 वचन में लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसको उससे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। आगे लिखा 27 वचन में, मनुष्य का पुत्र स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मगर आज यीशु मसीह की बातों को कोई सीरियस नहीं ले रहे भैया, कोई सीरियस नहीं ले रहा है। जिसको जैसा अच्छा लग रहा है वह अपने हिसाब किताब से जीता चला जा रहा है, जीता चला जा रहा है। मगर शायद वह मसीही विश्वासी भूल चुका है कि एक दिन उसका न्याय होगा, यीशु मसीह के सामने, बड़े स्तुति सिंहासन के सामने। तब क्या होगा उस समय? देखिए, इस पृथ्वी पर दो तरह के मसीह रहते हैं। एक मसीही विश्वासी वह जो विश्वास करने के बावजूद भी यीशु मसीह पर पाप करता है, एक मसीही वह जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद पाप से दूर रहता है, पवित्र जीवन जीता है, खराई से चलता है। हमें अपने उद्धार के बारे में सोचना है कि हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे हम जीते चले जा रहे हैं और बिना सुसमाचार के, बिना उद्धारी के मर गए तो हमें सीधा नरक में ही जाना पड़ जाएगा, नरक में जाना पड़ जाएगा। मेरे प्रश्नों, बाइबल बताती है मनुष्य का एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना बेहद ही जरूरी है। एक बार इंसान मर गया तो उसका न्याय परमेश्वर ने ठहराया है, उसका न्याय करेगा। यदि उसने विश्वास किया होगा, पवित्र जीवन जिया होगा, अगर उसने पवित्र जीवन जीने के साथ अगर वो मर भी जाएगा तो परमेश्वर से स्वर्ग देगा। अगर हम पाप करते 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 मर गए सीधा अचानक तो हमें परमेश्वर नरक ही देगा, नरक में ही जाना पड़ जाएगा। मगर कोई यह सच्चाई नहीं बता रहे हैं। नीति वचन 27:1 में लिखा, कल के दिन के विषय में मत भूल, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि भैया तू नहीं जानता है, क्योंकि तू नहीं जानता है कि दिन भर में क्या होगा। किसी दिन भी तेरे बॉडी से आत्मा निकल जाएगी, देखते देखते समय रहते हुए। उस दिन तेरे सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाएंगे, उस दिन तेरे सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाएंगे। मेरे प्रियजनों, प्रकाशित वाक्य बताते हैं, प्रकाशित वाक्य 20:6 में लिखा हुआ है, धन्य और पवित्र वह है
जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। जब यीशु मसीह अपने दूतों के साथ आएगा, जो मसीह में मर चुके हैं, जो पहले पुनरुत्थान, जो पहले ही जी उठेंगे, पहली तुरही फूकी जाएगी, जी उठेंगे, वे धन्य और पवित्र हैं। उन लोगों के ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है, उनको दूसरी मृत्यु नहीं दी जाएगी। वे यीशु मसीह के याजक अधिकारी होंगे, वे स्वर्ग के लोग होंगे, वे स्वर्ग में अनंत काल तक राज्य करते रहेंगे, 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। और आगे लिखा प्रकाशित वाक्य 20:12-15 तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। ये कौन दिख रहा है? यूहन्ना देख रहा है दर्शन के द्वारा। ठीक है भैया, वीडियो बहुत ही दमदार है, वीडियो को ध्यान से देख लेना और वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए। और यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। मेरे प्रियजनों, अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं होगा, तो हमें नर्क में जाना पड़ जाएगा मेरे प्रियजनों। इसलिए मैं अपने हिसाब किताब से नहीं, वचनों के हिसाब किताब से जीवन जीना है, परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, क्योंकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होना चाहिए। यदि हम पाप करें, व्यभिचार करें, तो याद रखना हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, तो उसको दूसरी मृत्यु दी जाएगी। दूसरी मृत्यु जो आग की नरक की झील है, उसमें न्याय करके परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए डाला जाएगा उसको। और आगे लिखा है 21:8 पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और टोनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और मूर्ति पुंजगों और इन सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। बाइबल साफ साफ मेरे प्रियजनों खुलासा कर रही है, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर न्याय करके नर्क में डालेगा। हम पाप भी करेंगे और व्यभिचार भी करेंगे, शारीरिक संबंध बनाएंगे, संसारिक जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर में स्वर्ग नहीं देगा, क्योंकि भैया जहाँ पर यीशु मसीह रहते हैं वह जगह पवित्र है। इसलिए हमें पवित्र बनना है, हमें यीशु मसीह के जैसे बनना है। हम पाप करते रहेंगे, व्यभिचार करते रहेंगे, तो परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर, जैसा आप करोगे, जैसा आप बोगे, वैसा परमेश्वर करेगा और न्याय करके स्वयं सिंहासन के सामने खड़ा करेगा। याद रखना, हर एक इंसान, हर एक मनुष्य, या तक कि पास्टर, प्रचारक, जितने अगुवे होंगे, सबको स्वयं सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और परमेश्वर न्याय करेगा और उनके कामों के अनुसार हर एक इंसान का, मनुष्य का न्याय करेगा। और वही शरीर पहनाएगा परमेश्वर, जिस शरीर में एक इंसान पाप करता है, व्यभिचार करता है, वही शरीर पहनाएगा परमेश्वर, तब उसका न्याय करके नर्क में फेंकेगा मेरे प्रभु, जाके आग नहीं बुझती है, जाके कीड़े कभी नहीं मरते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4:2-5 तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असयम तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्लाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, परंतु अपने कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुषमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरी कर।
मेरे प्रभु तो परमेश्वर का काम है, मैं यूं ही निरंतर करता करता यूं ही चला आऊंगा। जो सच्चाई है मैं तो बताता रहूंगा और सच्चाई में बताता रहूंगा। जो परमेश्वर का काम है जिसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना है वही काम मैं परमेश्वर का करूंगा। डांटना और समझाना मेरा काम है, मानो या ना मानो परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रभु ने इस वीडियो को शेयर करना अपने मसीह भवन के पास, लाखों लोगों का जीवन बदले और मन फिराए, पाप से तौबा करें और यीशु मसीह के पास फिर से लौट आए। जय मसीह की। God bless you. Good luck.